हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वेब पेज जर्नी सर्विसेज डॉट कॉम पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट और एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे एक्सेल शीट में बनाना है। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये एक सोसाइटी का बैलेंस शीट है। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर का फिगर रखा है और हम लोगों को 2019 का बैलेंस शीट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। तो ये सारा से मैंने ओपनिंग बैलेंसेस के फिगर रखे हुए हैं और यहाँ ये एंट्रीज वाला शीट है, वो हमें अपडेट करना है। जैसे ही हम लोग वो एंट्रीज वाला शीट अपडेट करते हैं, वो सारा एंट्रीज यहाँ पे इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिए हुए सम इफ का फॉर्मूला लगा के, जैसे जैसे वहाँ पे एंट्रीज अपडेट होते जाएगा, वैसे जैसे अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर होते जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंट्रीज में जाते हैं। ये जो पहला एंट्रीज जो है, ये सारा ओपनिंग बैलेंसेस का एंट्रीज है। जो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट रहेगा, वो हम लोग यहाँ पे एंट्रीज बना के ओपनिंग बैलेंस में डालना है। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक समरी बनाई है, वहाँ से मैं सारा डेटा यहाँ पे लेके आऊँगा। तो मैं स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उसको। हेलो, हाँ, यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, जितना भी आपका डेबिट एंट्रीज जो रहेगा वो सारा डेबिट में रहेगा, प्लस में रहेगा, और जो क्रेडिट एंट्रीज रहेगा आपका वो सारा निगेटिव में रहेगा। जैसे कि लाइबिलिटी साइड जो है वो आपका निगेटिव में दिखेगा और जो एसेट साइड है वो सारा आपको पॉजिटिव में दिखेगा। जैसे हम लोगों ने ये ओपनिंग बैलेंसेस अपडेट कर दिए, ये बैलेंस शीट में हम लोग आएंगे अभी। यहाँ पे देख लीजिए ये, और ये रहा आपका एंट्रीज का इफेक्ट बराबर गया है। अभी हम लोग बाकी सारा एंट्रीज अपडेट कर लेंगे एक एक करके, और मैं वो सारा एंट्रीज अपडेट कर लूँगा फिर आपको एक बार दिखा दूंगा। जैसे अभी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी इफेक्ट नहीं गिरा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये सेकेंड एंट्री जो है मेरा, वो मेरा बैंक समरी है। ये हम लोगों ने, ये मेरा सेकेंड एंट्री जो है, ये मेरा सेकेंड एंट्री बैंक का है। यहाँ पे सारा जो बैंक से मेरा पेमेंट हुआ है, रिसिप्ट है, वो सारा एंट्रीज यहाँ पे मैंने एक समरी बना के यहाँ पे एंट्रीज डाल दिया है। उसके बाद बाकी ये जो मेरा कैश में एक्सपेंसेस हुआ है, जो कैश पेमेंट मैंने किए हुए हैं, वो सारा एंट्रीज यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन का एंट्री है। ये मेरा मेंबर से जो ड्यूज रहते हैं उसका एंट्रीज है। सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड्स, वाटर चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्सेस, उसका एंट्रीज ये समरी करके पूरे साल भर का मैंने बनाया है। उसके बाद ये मेंटेनेंस ड्यूज फ्रॉम कस्टमर जो कैश में रिसीव हुए, ये मेरा प्रोफेशनल फीस, ऑडिट फीस जो है वो उसका प्रोविजन किया हुआ है। ये से इंटरेस्ट मिला है मुझे सेविंग बैंक पे, और ये जो मेरा FDs बैंक में उसका मुझे इंटरेस्ट मिला है। ये सारा मैंने बुक कर लिया है। अभी हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट क्या हुआ है, P&L पे क्या इंपैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले P&L पे आते हैं। ये सारा मेरा एक्सपेंसेस बुक हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा सारा अर्निंग है सोसाइटी में वो यहाँ पे बुक हो गया है। और जैसे आप देखोगे कि मेरा प्रॉफिट में दिख रहा है अभी, जो मतलब एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस हो गए 87,000, उसके सामने मेरा अर्निंग है 1,49,000। तो मेरा 62,000 प्रॉफिट है। जैसे हम बैलेंस शीट में आते हैं, तो ये बैलेंस शीट में सारा इंपैक्ट चला गया है मेरा। ये एसेट में भी इंपैक्ट दिख रहा है और ये लाइबिलिटी में भी इंपैक्ट दिख रहा है। तो ये मेरा ग्रॉस टोटल जो है वो एक बार देख लीजिए, ये दो टोटल मैच हो रहे हैं। तो इस तरह आपका बैलेंस शीट P&L एक्सेल में अपडेट कर सकते हो। आप चाहे तो मैनुअल भी एक एक एंट्री बना के यहाँ पे एंट्रीज कॉलम में अपडेट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।